हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को आपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। तो यदि इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है, वो भी कम समय में। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी दो संख्या की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो इस पैटर्न पर क्वेश्चन जब आता है तो ऑप्शन थ्रू से बनाते हैं। तो ऑप्शन थ्रू से यदि हम बनाते हैं तो टाइम का बहुत बचत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएंगे इस पैटर्न का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी दो संख्या की संख्या एवं संख्याओं का योग। परस्पर मतलब क्या होता है, परस्पर मतलब होता है अदला बदला। जैसे कि 38 है तो इसको बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगी, इसी को परस्पर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राप्त संख्या का योग जो है सो 110 है, तो इसको बदलेंगे तो क्या शुरू में आ रहा है 8 3 11 यानी कि नहीं आ रहा है। इसको जब बदलेंगे तो 8 4 12 यानी कि नहीं आ रहा है। इसको जब करेंगे तो 8 4 12 यानी कि ये भी नहीं आ रहा है। इसको जब परस्पर बदलेंगे यानी कि चेंज करेंगे तो 7 3 10 ये आ सकता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी पर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पहले क्या है कि संख्या को परस्पर बदलते हैं। तो पहले यहाँ 73 है, इसको अब हम चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब इसको दोनों का जब योग करते हैं, क्या बोल रहा है कि प्राप्त संख्या का योग जो है सो 110 है। तो यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 110 आ जाता है। और वहाँ पे फिर यही पूछ रहा है कि तो वो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो क्या 73, यहाँ पे 73 है तो इसका अंकों का अंतर जो है 4 है, तो 7 में 3 घटाएंगे तो 4 होगा ना। हाँ, तो ये इसका जो है कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि इसका कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको बनाना कैसे है, एग्जाम में, एग्ज़ाम में डायरेक्ट बनाना है किसी यानी कि योगफल कितना हो रहा है तो 110 हो रहा है। तो डायरेक्ट ऑप्शन पर भागेंगे कि किसको हम परस्पर बदलेंगे कि उसका योगफल जो से 110 आना चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं, तो 73 हो गया, इसको योगफल करेंगे यानी कि 37 हो गया, परस्पर चेंज करने के बाद तो 110 आ गया। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, इस पैटर्न पर क्वेश्चन जो इसे 8 बार पूछा गया है रेलवे एग्जाम में, 8 से 10 बार पूछा गया है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, 8x पावर x दिया गया है, 2 और 64 दिया गया है इक्वल में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जब 8 दिया गया है तो इसको 8 के फॉर्मेट में चेंज कर लेना है। तो 8 के फॉर्मेट में जब चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 8 पर स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होती है, तो 8 64 हो जाएगी। तो जब क्या होती है, यहाँ पे क्या हो गया, इसका बेस जो है समान हो गया, क्या हो गया, बेस समान हो गया, तो लिखेंगे एक्स प्लस टू इक्वल टू कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब x बराबर मान निकालेंगे तो कितना आएगा, इधर 2 है इधर 2 आ जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 0 होगा। तो अब सॉल्व करते हैं कि इसका मान कितना होगा, 3 3 स्क्वायर इंटू x प्लस 1 जो है इसका मान कितना होगा। तो चलिए पुट करते हैं, x का मान 0 जब रखेंगे और 0 में से 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 3 पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 2 होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। जैसे कि इसको डायरेक्ट बनाएंगे, ये किसका फॉर्मेट में, यानी कि 8 के फॉर्मेट में ले आना है, तो 8 पर पावर एक्स प्लस 2 है और 64 है, तो 64 जो होती है सो 8 के स्क्वायर होती है, या क्या हो गया, बेस आधार जो हो गया सेम हो गया, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, पावर वाला लिख लेना है।
तो एक्स प्लस टू हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। इधर जब टू प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ एक्स का मान पुट करेंगे तो जीरो जीरो एक जोड़ेंगे तो एक होगा, और दो गुना एक करेंगे तो दो होगा। तो तीन पर तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत फेमस है, यानी कि रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नोट के नोट वाली संख्या जो पूछा जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। किरण के पास कितना है, पचास रुपया तथा सौ रुपया के कुल पचासी नोट है। नोट की संख्या कितना है उसके पास, कुल पचासी नोट है, और उसमें से कुछ पचास का है और कुछ जो है सौ रुपये का है। यदि उसके पास कुल धन जो है सो कितना है, पाँच हज़ार है, यानी कि उसके पास कुल पचासी नोट है, उनमें से पचास रुपये का नोट है, सौ रुपये का नोट है। अब उनमें से उसमें जो कुल धन जो है, कुल यानी कि टोटल जो उसके पास पैसा जो है सो कितना है, पाँच हज़ार रुपया है। तो इसमें से बोल रहा है कि पचास रुपये की नोटों की संख्या क्या होगी। तो इस टाइप का, इस पैटर्न का यदि क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन से बिल्कुल आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए यहाँ के क्या बोल रहा है, पचास रुपये नोटों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं तीस, तीस जो है सो पचास रुपये नोट की संख्या मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पंद्रह सौ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पंद्रह सौ हो जाएगा। तो जब यहाँ तीस मान लिए क्या, पचास रुपये नोटों की संख्या, तो यहाँ टोटल कितना है, पचासी है। तो तीस और हम लोग क्या जोड़ते हैं, और हम लोग क्या, तो यहाँ पे देखते हैं तीस यानी कि पचास है, तीस अस्सी, तो कितना बच गया, पचपन नोट अभी और बचा है। तो मान ले कि पचपन नोट जो होगा सो सौ रुपया का होगा, तो सौ गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, पचपन सौ हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो क्या, पाँच हज़ार आएगा, जीरो जीरो पाँच पाँच दस पाँच छः, यानी कितना आ गया, सात हज़ार आ गया। तो सात हज़ार यदि आ गया तो ये सही नहीं होगा, यानी कि ये गलत है। कैसे, यहाँ आना चाहिए पाँच हज़ार। तो अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर ए चेक कर लिए, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। मान लेते हैं कि पचास रुपये नोटों की संख्या से कितनी है, सत्तर है। तो सत्तर गुना पचास करेंगे तो कितना हो जाएगी, सात पचे पैंतीस, यानी कि पैंतीस सौ रुपया यहाँ पर आ जाएगी। आप देखते हैं सत्तर रुपये, सत्तर नोट तो ले लिए पचास रुपया ला, तो सौ रुपया के नोट कितना बचा होगा, यानी कि यहाँ तो टोटल पचासी है, तो सत्तर और दस अस्सी होता है, अस्सी और पाँच पचास, यानी पंद्रह नोट बचा है। तो पंद्रह नोट कौन होगा, वो सौ रुपया वाला होगा। तो यहाँ पर यदि मल्टीपल यानी गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि पंद्रह सौ रुपया जो होगा, सौ रुपया नोट, यानी कि सौ रुपया वाला नोट जो होगा सो कितना होगा, पंद्रह होगा। अब यहाँ पे ऐड करते हैं जीरो जीरो पाँच पाँच दस तीन चार एक पाँच, तो पाँच हज़ार आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पचास रुपये वाला नोटों की संख्या कितना मान लिए, सत्तर मान लिए, सत्तर और कितना हो जाएगा, सत्तर गुना पचास करेंगे तो हो गया यहाँ पैंतीस सौ। इस प्रकार से एग्ज़ाम में बनाना है। अब बच गया पंद्रह नोट, पंद्रह नोट कौन होगा, तो हंड्रेड वाला होगा, तो वो कितना होगा, पंद्रह सौ हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो पाँच हज़ार आ जाएगा। तो ये जो हो गया सो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, पास करने वाला और फेल करने वाला। तो इसको किस प्रकार से बनाना है, कुछ नहीं करना है, इसमें पहले भी बता चुके हैं कि जो फेल करता है उसको पास कर दो और जो पास करता है उसको फेल कर दो। तो समीकरण किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, यहाँ क्या बोल रहा है, राजीव को किसी परीक्षा में 20 अंक मिले हैं, यानी कि 20% अंक मिले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 20% अंक मिला है, उसके बाद कहता है और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाती है, यानी कि 24 अंक से क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो किसी को फेल नहीं करना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, पास कर जाना चाहिए ताकि भला हो जाए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 24। अब क्या बोलता है, अरविंद को 45% अंक मिले, अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, जो पास हो रहा था, जो फेल हो रहा था उसको भला करके पास कर रहे थे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो 26 अंक से उत्तीर्ण हो जाती है, यानी कि वो 26 मार्क से वो पास हो जाती है। तो यही पे करते हैं, यानी कि जस्ट यहाँ अपोजिट करते हैं, जो फेल करता है उसको पास करो और जो पास करता है उसको फेल करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो रहा है कि 26 अंक से उत्तीर्ण यानी पास हो जाता है तो इसको फेल कर दो। अब यहाँ देखते हैं, अब हम लोग परसेंटेज परसेंटेज एक साथ में ले आते हैं तो ये परसेंटेज 20% और 45% इधर यदि आएगा तो कितना माइनस में हो जाएगा, तो 25% बच जाएगा। अब देखते हैं अंक को हम लोग एक साइड ले आते हैं तो यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 25% बराबर कितना हो गया, 50 अंक हो गया। तो 1% बराबर कितना हो गया, तो 2 अंक हो गया, कितना हो गया 2 अंक हो गया। अब क्वेश्चन क्या करता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक जो है आवश्यक है, यानी परसेंट पूछ रहा है। तो 1% बराबर कितना होती है, 2 अंक। तो पहला समीकरण जो मेरा बना है सो क्या बना, ये बना है, तो 20% जो मेरा है यहाँ पे। तो एक क्या बोल रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक आवश्यक है, यानी कि अंक जो है से कितने परसेंट आवश्यक है। तो यहाँ से 20% से क्या हो रही थी, यहाँ 20% हासिल किया था, और 24 अंक बराबर कितना हो जाएगा, जब 1% बराबर 2 अंक है, 2 गुना है, तो 24 अंक बराबर यहाँ हो जाएगी 12%। तो 12% ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगी, 32% हो जाएगी। तो 32% इसका सही आंसर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग दूसरा समीकरण से कैसे बनाएंगे, दूसरा समीकरण से ऐसे बनाएंगे कि 45% यहाँ पे दिया गया है और 26 अंक बराबर कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण में क्या है, माइनस में है, तो माइनस में है तो यहाँ माइनस करेंगे, घटा देंगे, तो 5 में 3 गया तो 2 हो गया, 4 में 1 गया तो 3 हो गया, यानी कि 32% भी आ गया दूसरा समीकरण से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट इस प्रकार से बनाएंगे कि 20% अंक जो है से मिले हैं और वो 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 24 अंक से फेल हुआ तो हुआ है, तो 24 अंक से पास करो। अरविंद जो से 45% अंक जो से मिला है जिसमें से वो 26 अंक से पास हो गया है, तो उसको 26 अंक जो है से उसको फेल करो। तो 26 अंक से उसको क्या करना है, फेल कर देना है। तो यहाँ पे फेल यानी 26 घटा देंगे, तो यहाँ पे दोनों को एक साइड करेंगे, अंक के अंक को एक साइड करेंगे, परसेंटेज को एक साइड करेंगे, तो 25% बराबर आ गया यहाँ पे। 25% बराबर कितना आ गया, 50, यानी कि 1% बराबर कितना आ गया, 2 अंक आ गया। तो जब 2 अंक आ गया तो पास क्या बोल रहा है, पास यानी कि निकालने के लिए बोल रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज जो है सो अंक आवश्यक है कितनी है, तो 20% है, और 24 अंक बराबर 12% हो गया, 1% बराबर 2 अंक, तो 2 गुना है, तो 12% बराबर कितना हो जाएगा, 24 अंक। इसी प्रकार से हम 32 इसका सही आंसर हो जाएगी, 32%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पैटर्न का भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। 8 बालक है तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर काम करने में पूरा करते हैं। काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक यानी कि एक बालक जो है प्रत्येक बालक एक आदमी से 2 गुना काम करती है। एक बालक बोल रही है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बालक जो है सो एक आदमी से 2 गुना काम करती है। कितना काम करती है, 2 गुना काम करती है, तो कैसे निकालेंगे। तो जो आदमी है यानी कि एक आदमी है तो यहाँ 2 बालक हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना बोल रहा है कि आदमी जो काम कर रही है सो बालक का आधा कर रहा है, और बालक जो काम कर रही है सो आदमी का 2 गुना कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक यानी कि एक बालक जो है एक आदमी से 2 गुना संख्या में लगता है, 2 गुना संख्या में, तो 2 गुना में संख्या में लगता है, यानी कि आदमी की संख्या एक है तो बालक की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 8 बालक तथा 12 आदमी, अब समीकरण निकालते हैं कि 8 बालक हो गया तथा 12 आदमी हो गया किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो अब बोलते हैं उसी काम को 12 आदमी कितना दिन में करेगा,
तो 12 आदमी कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं किसी में से एक को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, 12 आदमी, यहाँ 12 एम है, किसी को एक में चेंज कर लेते हैं, आदमी में तो नहीं तो बालक में। तो चलिए बच्चों की संख्या कितना है, दो गुना है, बालक की संख्या दो गुना है, तो यहाँ बालक की संख्या 8 है, तो आदमी जो होगा सो कितना होगा, तो 4 आदमी होगा। तो इसको हम लोग चेंज कर लिए बनाने के लिए। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, अब यहाँ डाइट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखते हैं। तो 12 और 4 कितना हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं 12 और 4 जो हो गया सो कितना हो गया, 16 आदमी हो गई, 16 आदमी हो गई, और गुना 9 हो गया, और फिर यहाँ पे कितना हो गया, 12 आदमी हो गया, और गुना कितना दिन में करेगा, मान लो एक्स दिन में करेगा। तो एम और एम तो बेचारा गया, अब बच गया 3 चौके 12 और 3 तिया 9 बच गया, 3 चौके 12, 3 तिया 9 कट गया, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम में बनाते हैं।